हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने रेडमी K20 प्रो के कुछ 17 प्लस हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं यार, जिसको यूज करके आपका K20 प्रो को यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और ये जो फीचर्स है वो शायद से आपको नहीं पता होंगे, तो काफी यूजफुल फीचर्स हैं यार। विदाउट वेस्ट एनी टाइम इस वीडियो को यहां पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो ट्रिक्स है। सबसे पहले गाइस आप जानते हो हमारे फोन में यहां पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जिसको अनलॉक करने के लिए बेसिकली हम अपने थंब को प्रेस करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर पे, उसके बाद हमारा फोन यहां पर अनलॉक हो जाता है। अब गाइज हम अपने फोन को विदाउट पावर बटन प्रेस करें भी डायरेक्टली थंब लगा के भी अनलॉक कर सकते हैं। चाहे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पोजीशन है हमें डिस्प्ले पे वो दिखे या ना दिखे, आप प्रेस करेंगे डायरेक्टली आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, आपको पावर बटन प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाइज अपने फोन को लॉक करने के लिए हम पावर बटन से लॉक करते हैं, बट हमें जो स्टेटस बार में एक आइकन दिया गया है लॉक स्क्रीन का, जिसपे आप जस्ट एक बार टैप करते हैं तो आपका फोन यहां पर लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब आपको ना ही फोन अनलॉक करने के लिए पावर बटन प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको लॉक करने के लिए पावर बटन की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज काफी यूजफुल है, आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद गाइज हमें यहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर के ही कुछ जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। उसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, देन गाइज आपको यहां पर लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप जाएंगे यहां पर मैनेज फिंगरप्रिंट्स में, उसके बाद आपको यहां पर अपना जो पैटर्न है वो यहां पर डाल लेना है। तो गाइज उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहां पर आपको एक शॉर्टकट्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहां पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर एक पहला ऑप्शन है जो कि है प्रेस एंड होल्ड, और एक है क्विक स्वाइप। तो गाइज जो प्रेस एंड होल्ड है वो कैसे काम करता है, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जस्ट आपका फोन लॉक होगा, आप यहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर पे थंब को प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको हटाना नहीं है गाइज, स्क्रीन पे रखना है। उसके बाद आपको तीन शॉर्टकट यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो है यहां पर बार कोड यानी कि QR कोड स्कैनर का, और उसके बाद यहां पर सर्च ब्राउजर का है, और उसके बाद यहां पर एड इवेंट टू कैलेंडर का है। तो गाइस ये तीन शॉर्टकट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद यहां पर क्विक स्वाइप अप का भी यहां पर एक ऑप्शन है, तो इसको अगर आप कर दोगे तो थोड़ा एडवांस्ड है। उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको फिर से यहां पर लॉक स्क्रीन पे अपने जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का एरिया उस पर यहां पर प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको इस तरीके से लॉन्ग प्रेस पे जैसे देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको यहां पर क्विकली यहां पर स्वाइप कर लेना है, तो उसके बाद भी आपको यहां पर शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये यहां पर गाइज काफी सही फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज उसके बाद हमें यहां पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको वही फिंगरप्रिंट की सेटिंग्स में जाना है, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन का, जिसमें आप जाएंगे तो यहां पर आपको चार यहां पर एनिमेशन देखने के लिए मिलेंगे। पहला है यहां पर स्टारलाइट, और दूसरा है नियोन, तीसरा है यहां पर रिदम, और चौथा है यहां पर पल्स। तो जो आपको यहां पर बेटर लगता है गाइज वो यहां पर आप यूज कर सकते हो। बाय द वे गाइज जो मेरा फेवरेट है वो है यहां पर रिदम, तो आपको जस्ट एक बार क्लिक करना है, उसके बाद जस्ट आप बैक कर दोगे, और उसके बाद आप यहां पर जो एनिमेशन सेट किया है वही एनिमेशन आपको यहां पर लॉक स्क्रीन पर शो होगा, तो ये काफी सही है। उसके बाद गाइज आप जानते हो कि हमारे फोन में यहां पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, तो उसके लिए हमें यहां पर एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि नाइट मोड, या फिर आप उसको ऑलवेज ऑन मोड भी बोल सकते हैं जैसे कि सैमसंग यहां पर बोलता है। उसको इनेबल करने के लिए आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स में जाना है, देन गाइज यहां पर आपको एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट आपको उसको ऑन कर देना है। तो गाइज ये बैटरी ड्रेन नहीं करता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहां पर यूज करने के बाद मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिले अपने डिवाइस में, तो काफी अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है इसको यूज करने के बाद भी। बाकी गाइज यहां पर क्लॉक स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन है, जस्ट आपको यहां पर टैप करना है क्लॉक पे, और यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट यहां पर 12 ऑप्शन है, तो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे गाइज जो मेरा फेवरेट है वो मुझे यही लगा है, बाकी मुझे इतना ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो गाइज जो नेक्स्ट फीचर हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है वो है एंटी फ्लिकर मोड /DC डिमिंग का फीचर। आप गाइज इस फीचर को अगर आप इनेबल करते हो अपने फोन में, तो गाइज नाइट टाइम में अगर आप अपने फोन को यूज करते हो तो आपकी आंखों पे बहुत कम यहां पर जोर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आई स्ट्रेन बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइज यहां पर जो एंटी फ्लिकर मोड है ये आपकी डिस्प्ले पे जो लाइंस आती है उसको भी यहां पर कम करता है, यानी कि लो ब्राइटनेस पे भी आप अच्छे तरीके से अपने डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो यहां पर इनेबल कर सकते हैं, काफी कमाल का फीचर ये है। तो गाइज यहां पर हमें एक डार्क मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहां पर आप इनेबल कर सकते हो, जो कि आपकी जो थीम है वो यहां पर ब्लैक कर देगा। और गाइज हमारे फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, तो जितना भी ब्लैक पोर्शन होगा हमारी डिस्प्ले का उसके सारे पिक्सल्स यहां पर ऑफ हो जाते हैं, जिससे बैटरी बहुत ज्यादा यहां पर सेव होती है, क्योंकि यार एमोलेड डिस्प्ले है तो यार काफी ज्यादा बैटरी बचा लेता है, तो ये दिखने में भी काफी ज्यादा कमाल का लगता है, तो आप इसको जरूर से यहां पर इनेबल कर सकते हो। उसके बाद गाइज यहां पर हमें गेम टर्बो में कुछ यहां पर विजुअल एनहांसमेंट के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके ऊपर गाइज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसका कार्ड ऊपर यहां पर आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना, आपको ज्यादा यहां पर समझ में आ जाएगा।
तो गाइज अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको अपने फोन की सिक्योरिटी ऐप में जाना है, देन यहाँ पर गेम बूस्टर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स के कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें अगर आप यहाँ पर अंदर जाते हैं यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में, तो यहाँ पर कोई भी गेम को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे एनहेंस विजुअल्स में आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, मॉडरेट, स्ट्रांग और एक्सट्रीम, तो यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। बाकी आप डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं, कार्ड में आपको लिंक दे रहा हूँ, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद गाइज कुछ यहाँ पर पॉपअप कैमरा की ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो गाइज हमारे फोन में यहाँ पर फ्रंट कैमरा पॉपअप दिया गया है, जैसे कि आप जानते हो। अब गाइज काफी लोग इसकी जो लाइटिंग है वो यहाँ पर पसंद करते हैं और साउंड भी यहाँ पर आता है, तो अगर गाइज उसको आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो वो कैसे करेंगे मैं आपको वो भी यहाँ पर बता देता हूं। तो गाइज उसके लिए आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में आपने जाना है। और गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैमरा इफेक्ट्स का, जस्ट आपको उस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और गाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा विजुअल इफेक्ट, अगर आप उसको यहाँ पर ऑफ कर देंगे तो जो आपकी जो एलईडी है जो दिखती है आपको पॉपअप कैमरे में वो यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। और गाइज उसके बाद यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट चेंज करने का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर 6 साउंड है जो कि ज़ेलोफोन, कॉन्डोर, मैजिक, मैचा, गेयर व्हील, कैबिन डोर, ये तो गाइज ये 6 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर साउंड इफेक्ट अगर आप ऑफ करना चाहते हैं जो पॉपअप कैमरा यहाँ पर बाहर आता है तो वो यहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये भी काफी यूजफुल आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब गाइज हमारे फोन में यहाँ पर नोटिफिकेशन एलईडी दी गई है टॉप पर, जो कि चार्जिंग के वक्त यहाँ पर ग्लो करती है और नोटिफिकेशन आने पर ग्लो करती है, बट अगर आप चाहते हो उसको बंद करना तो वो भी आप यहीं पर कर सकते हो। इसी सेटिंग्स में गाइज आपको यहीं पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन लाइट का, जस्ट फ्रंट कैमरा इफेक्ट के नीचे ही। तो आप यहां पर जाओगे तो गाइस पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा लाइट अप व्हेन चार्जिंग, तो अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो जब भी आप अपने फोन को चार्ज करोगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन एलईडी है वो यहां पर ग्लो नहीं करेगी, बट गाइस ये बहुत सही लगता है तो आप इसको इनेबल करके रखना। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है ब्लिंक लाइट का, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बाद जो आपकी नोटिफिकेशन एलईडी है वो यहाँ पर ग्लो नहीं करेगी, बट गाइज आप इसको ऑन रखोगे तो काफी सही रहेगा। तो ये काफी सही फीचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज कैमरा में भी यहाँ पर आपको कुछ हिडन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको अपने फोन के स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन में जाना है और कैमरा यहाँ पर व्यू फाइंडर पे आपको टैप करके रखना है। उसके बाद गाइज आपको स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, यानी कि गूगल लेंस को आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ पर टैप करने पे, टैप एंड होल्ड करने पे, और यहाँ पर ए ई और ए एफ लॉक का है। तो गाइज यहाँ पर गूगल लेंस पे आप क्लिक कर देना, उसके बाद गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर अपनी आईडी को सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद गाइज जब भी आप यहाँ पर होल्ड करोगे अपने यहाँ पर व्यू फाइंडर को, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, तो ये भी बहुत सही फीचर है, यहाँ पर काम कर जाएगा। उसके बाद गाइज वीडियो में हमें यहाँ पर कुछ फीचर्स मिलते हैं कैमरा में, जैसे कि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स का एक आइकन मिलेगा, जहां पर गाइज वीडियो क्वालिटी आपको काफी सही मिल जाती है इस फोन में। 1080p 30fps 60fps 4K 30fps और 4K 60fps तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 4K 60fps तक आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, तो ये काफी सही बात है। और यहां पर EIS का सपोर्ट भी हमें फोन में देखने के लिए मिल जाता है। यही नहीं गाइज, आप यहां पर स्लो मोशन भी यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने फोन में यहां पर तीन मोड्स दिए गए हैं, 120fps 240fps और 960fps। अब गाइज तीनों ही मोड यहां पर 1080p में काम करते हैं, तो ये भी काफी सही चीज मुझे लगी है। उसके बाद गाइज यहां पर आप अपने फोन में नॉर्मली फोटोज को तो कैप्चर कर ही सकते हैं, नॉर्मल लेंस में, वाइड एंगल लेंस में और टेलीफोटो लेंस में, बट गाइज आप यहां पर वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो नॉर्मल लेंस में, टेलीफोटो लेंस में और वाइड एंगल लेंस में, तो ये भी काफी सही फीचर्स मुझे यहां पर लगे हैं कैमरा में। गाइज नॉर्मल अगर आप पिक्चर यहां पर क्लिक करते हो तो आप टैप करके यहां पर चेंज कर लेते हो अपने कैमरास को, बट गाइज अगर आप पिंच इन एंड आउट करते हो तब भी यहां पर आप कैमरे के लेंस को यहां पर चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो गाइज ये भी सही फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हो पिंच इन एंड आउट का कैमरा के अंदर। तो गाइज कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिसको इनेबल करने के लिए आपको अपने फोन डायलर में जाना है और यहाँ पर लेफ्ट में बॉटम पे आपको तीन लाइन मिलेंगी, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप इसको ऑन कर सकते हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो इनेबल करने का ऑप्शन है। रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर कर सकते हैं, ऑल नंबर्स भी कर सकते हैं गाइज, सिलेक्टेड नंबर्स को भी यहाँ पर कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट बना सकते हैं और अननोन नंबर जो भी होंगे उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये भी काफी यूजफुल फीचर, आप इसको यूज कर लेना। और गाइज उसके बाद यहां पर काफी गेमर्स पूछते हैं कि भाई इंटरनल साउंड को कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने MIUI के अंदर, तो गाइज उसके लिए आपको यहां पर अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप दिया गया है, जिसके अंदर आपको जाना है और सेटिंग्स पे यहां पर क्लिक करना है। और गाइज उसके बाद यहां पर आपको चौथा ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है साउंड सोर्स का, जिसपे आपको यहां पर जाने के बाद सिस्टम साउंड पे यहां पर क्लिक कर देना है। तो गाइज जो भी आप यहां पर गेम प्ले रिकॉर्ड करोगे तो जो भी उसका यहां पर साउंड होगा वो यहां पर सिस्टम का ही रिकॉर्ड करेगा, बाहर का शोर यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो
गाइज यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर बिट रेट को यहाँ पर अंदर जाने के बाद, और यहाँ पर फ्रेम रेट्स आप 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये भी काफी सही चीज है। लॉक स्क्रीन टू एंड यहाँ पर करने का भी ऑप्शन है, शो टच का ऑप्शन है, विजुअल नेविगेशन बटन का है, गो बैक टू स्क्रीन रिकॉर्डर का भी ऑप्शन है। तो गाइज काफी ज्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भी। और तो गाइज जो लास्ट फीचर हमें यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ चलाने का फीचर, क्योंकि गाइज हमारे फोन में 855 वाला प्रोसेसर है, तो आप अपने वाईफाई के डेटा को हॉटस्पॉट से यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को अपने K20 Pro में यूज कर सकते हो। तो गाइज यही कुछ कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता था अपने Redmi K20 Pro के लिए। तो गाइज आप बताना आपको कौन सा यहाँ पर फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया है, और गाइज अगर आपको यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स कोई न्यू फीचर जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज अभी के लिए इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।